हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कमल आर व्लॉग्स। वंस अगेन आई एम योर होस्ट समांथा। और आज कुछ है नहीं कुछ खास करने के लिए, कुछ बताने के लिए, बट स्टिल आई थॉट कि एक छोटा सा वीडियो तो बनता है उस दिन के वीडियो के बाद। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ, मैंने कोई माइक भी नहीं लगा रखा है। बेबी इस समय सो रहा है साथ में, यहाँ पे है वो, और आई मीन सैडली थोड़ा सा बीमार हो गया है आज। उसको थोड़ा सा सर्दी है, थोड़ा ज़ुकाम है, और थोड़ा सा खांसता भी है। एंड दुख बहुत होता है उसको देख के कभी कभी, बट जब वो खांसता भी है ना, वो छोटे छोटे लिप से ऐसे ओह ओह करके भी खांसता है ना, तो बहुत क्यूट लगता है वो मुझे। तो बुरा लगता है कि मतलब ज़ुकाम है, वो खांस भी रहा है, बट समहाउ देख के थोड़ा क्यूट भी लगता है कि हाय कितना क्यूट है। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला है कि उसको होता है ये सबके साथ में, मैं बच्चों के साथ ऐसा रहता है, चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी हो, हर सीज़न मतलब एक बार तो बेबी को ऐसा होता है। तो नथिंग टू वरी, एंड मैं बहुत जल्दी वरी कर जाती हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स मेरा और कमल का ये फर्स्ट बेबी है, तो लाइक एवरी पेरेंट्स जिनके फर्स्ट बेबी होते हैं उनको भी बहुत डर लगता होगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जब होता है ये सब चीज़ें। तो मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ जब कुछ होता है, उसको खांसता है, कुछ भी करता है, आई मीन बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट होता है। और या ग्रेट न्यूज़ ये है कि आज अभी 2 मंथ्स का हो चुका है, 2 नवंबर को। तो ये वीडियो मैं तो उसके बाद ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो थोड़ा बीमार था, तो कुछ हम इतना शूट नहीं कर पाए थे, और हमें इस समय दिल्ली में आना पड़ा। हम इस समय दिल्ली में हैं एंड जाएंगे वापस, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद हम जाएंगे। तो आज वैसे तो हमने कुछ किया नहीं कुछ उसके 2nd मंथ के लिए, क्योंकि जैसे कि बताया तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी आज की, अभी थोड़ा सा मतलब बेटर है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप सब उसके लिए प्रे करना, वो और जल्दी रिकवर करे। आज छोटी सी तैयारियां मैं कर रही हूँ, मतलब बहुत छोटा सा, आज डिनर वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई कि कुछ पिज़्ज़ा बना लें, बट पिज़्ज़ा बनाना भी मुझे नहीं आता है, तो ऐसे ही जस्ट एक मन किया था कुछ ऐसे करने का उसका 2nd मंथ होने के उसमें। एंड बट वंस अगेन, जैसे कि मैंने पहले बताया, मुझे व्लॉगिंग करना बिल्कुल नहीं आता, बहुत सारे टेक्स होते हैं, रीटेक्स होते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग्स। तो मैं कुछ भी बोल पड़ती हूँ वीडियो पे, मुझे नहीं समझ में आता। ये हमारा बैक साइड का मतलब जो रूम है, ये पीछे का कमरा है, स्लाइटली वार्मर कंपेरेटिवली फ्रंट साइड वाला, तो यहीं पर बेबी को रखते हैं। एंड आई शो यू, मतलब पहले जब हम यहाँ पर आए थे, घर बहुत अच्छा सा, नीट एंड क्लीन सा, टाइडी सा रहता था, बट बेबी के आने के बाद सब बेबी का हो गया, हमारा कुछ नहीं है। हमारे कपड़े पता नहीं कहाँ होते हैं, हर जगह बेबी के कपड़े, डाइपर्स, उसके स्वेटर्स, शैम्पू एंड पाउडर, लोशन, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जस्ट बिखरी हुई हैं। तो अभी भी आपको ये दिख रहा होगा, बलून लगा रखे हैं उसको खिलाने के लिए। आई जस्ट गिव यू शॉर्टर लुक यहाँ पे घर का, ये देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा बिखरा पड़ा है सब कुछ, इट्स मेसी एवरीवेयर, इट्स मेसी। तो ये हमारा आज बेबी इस समय सो रहा है, आप देखिए। आई नो बहुत क्यूट है, थैंक यू। तो बट
प्रे कीजिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और उसका ये थोड़ा सा नोज़ ब्लॉक रहता है, खांसी भी करता है, तो हम उसको नेबुलाइज करेंगे। नेबुलाइज़र हमने ऑर्डर कर लिया है, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं एक और वीडियो डालूँगी अच्छे से उसकी, और आप सबको मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको देखें वीडियो के थ्रू, जो उसको नहीं देख पाते, स्पेशली मेरे रिलेटिव्स जो मणिपुर में हैं वो इसको नहीं देख पाए हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना इतना इजी नहीं है, फाइनेंशियली भी इतना इजी नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि वो वीडियो के थ्रू इसको देखें, और जहाँ भी हैं वहाँ से इसको प्यार करते रहे। वीडियो कॉल्स भी होती रहती है, बट हर बार वीडियो कॉल्स पॉसिबल नहीं रहता, कोई किसी का टाइमिंग अलग है, कोई कुछ है, बट इसके ज़रिए मेरे मेरे साइड के जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है मणिपुर में, वो भी ऐसे ही वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। सो एक जैसे कि मैंने बताया कि मैं कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये भी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही हूँ, तो लेट्स सी कैसा बनता है, क्या बनता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अंश को 2 महीने हो चुके हैं, और कुछ प्रिपरेशंस नहीं करी है, बट मैं चाहती थी कि मैं कुछ ट्राई करूँ आज नया। तो मैं आज हम लोग डिनर नहीं बना रहे हैं, तो मैं आज ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ, एंड आई रियली होप कि ये थोड़ा ठीक ठीक बनेगा, तो देख लेते हैं कैसा बनता है। और प्रिपरेशंस मैंने सारी कर ली है, ये पिज़्ज़ा के जो टॉपिंग्स होते हैं ये वो सब है, और पिज़्ज़ा सॉस मुझे बनाना नहीं आता, तो इसलिए मैंने मार्केट से ये खरीद के रखा। चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे अमूल का ये अमूल पिज़्ज़ा चीज़ मोज़रेला डाइस्ड, ये मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। तो वैसे मैंने ये टॉपिंग्स डाल दिए हैं, अब हम इसमें चीज़ भरपूर डालेंगे। ये कुछ ऐसा बना है, देखिए, समथिंग लाइक दिस। देखते हैं, आप लोग सब सोच रहे हैं कि मैं तवे पे क्यों बना रही हूँ, माइक्रोवेव में क्यों नहीं बना रही। तो माइक्रोवेव नहीं है मेरे पास, मेरे पास माइक्रोवेव था बट वो ख़राब हो गया है, और वो कैसे ख़राब हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा माइक्रोवेव अच्छा खासा चल रहा था, एकदम मस्त चलता था, लेकिन फिर एक खुराफाती आइडिया आया कि क्यों ना कुत्ता पाल लेते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता लेकर आए हम, उसका नाम हमने मतलब रखा भी था, क्या रखा था, मुझे तो भाई साहब अच्छा लगा था बहुत, मतलब कुत्ते का नाम भाई साहब, तो कुछ तो रखा था भाई साहब के अलावा भी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बहुत छोटा सा था, तो उसको हम लोग उसको हम एग बॉईल करके देते थे, तो मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई एग बॉईल करने के लिए, तो मैंने आइडिया लगाया माइक्रोवेव में एग को बॉईल करते हैं भाई साहब के लिए, आई मीन कुत्ता के लिए। तो एग तो बॉईल हुआ, साथ में मेरा माइक्रोवेव भी ऐसे बॉईल हो गया, फट गया। तो उसके बाद से फिर मैंने ना नहीं लिया माइक्रोवेव। आई होप मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, सी तो मैं बुला के लाई हूँ, टेंटरन, देखो ये दी ओनर ऑफ दिस चैनल। तो ये कुछ ऐसा सा बना है, कैसा लग रहा है? Smells good. Smells good. I hope taste भी अच्छा करे. I don't know. आप खा के देखो. Unfortunately, सॉस नहीं है. No issues. हाँ 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 हाँ. फील तो बड़ा अच्छा है. अच्छा फील आ रहा है? खा के देखो. गर्म है बहुत. गर्म है? I don't know, आप ट्राई करो। हम्म,
अच्छा है पर बहुत सिंपल है, हमारे पास वो सब नहीं है ना, क्या बोलते हैं वो जो स्प्रिंकल करते हैं डोमिनोज के साथ में जो आता है, ओरिगानो। We don't have oregano, guys. We do not have sauce. पता नहीं कैसे बनाया बट खा रहे हैं, so sweet of him.